नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र बधौलिया। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज़रूर कीजिए ताकि अशोकनगर से संबंधित खबरें और दूसरी चीज़ें आपको जल्द से जल्द मिल सकें। इस समय हम आए हैं आपको बागेश्वर धाम की कथा से संबंधित तैयारियों की जानकारी देने के लिए। दरअसल जिस तरह से कुछ दिनों से श्री तारवाले बालाजी भक्त मंडल अपनी तैयारियां कर रहा था, आज इसमें एक नया इवेंट ये हुआ है कि जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियों को लेकर एक बड़ी और विशाल बैठक अशोकनगर की नवीन मंडी परिसर में आयोजित की है, जिसमें अशोकनगर जिले के मुंगावली के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने अध्यक्षता की। उनके अलावा विधायक जजपाल सिंह जज्जी, अशोकनगर की नगरपालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया, कलेक्टर आर उमा महेश्वरी और पुलिस अधीक्षक रघुवंश भदौरिया के अलावा तमाम दूसरे अधिकारी, कर्मचारी और संबंधित विभागों के लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर किसान और दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ साथ मंडी से जुड़े लोग और व्यापारी भी थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े आयोजन को संपन्न कराने के लिए हाल ही में हुई कथा से संबंधित चीज़ों को रखा गया और उन्हीं में कुछ इजाफा करके इस कथा में कुछ व्यवस्थाएँ वृद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की बात कही है। सबसे पहले इसको एड्रेस किया राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने। उनका कहना है कि स्वाभाविक तौर पर ये अशोकनगर जिले का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है। भीड़ के लिहाज से भी ये बहुत बड़ा आयोजन होगा, इसलिए व्यवस्थाओं को चाक चौबंद भी रखना होगा और व्यापक और बड़े स्तर पर भी करना होगा। इसके लिए उन्होंने कलेक्टर, SP और दूसरे लोगों को, अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी तरह की व्यवस्था में कमी ना हो, साथ ही समय समय पर मीटिंग और निरीक्षण की भी बात कही है। जिन चीज़ों को लेकर इस पूरी की पूरी बैठक में बातचीत हुई है उसमें आपको बताना जरूर चाहेंगे कि किन किन मुद्दों पर इस मीटिंग में बातचीत हुई है। बैठक की शुरुआत करते हुए लोक स्वास्थ्य यंत्र की राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए रूट चार्ट तय किए जाएं, जिससे बाहर से आने वाले वाहन सीधे कथा स्थल तक पहुंच सकें और यातायात बाधित ना हो। इसके अलावा उन्होंने VIP मार्ग को भी अलग से करने का कहा, क्योंकि उनका कहना था कि आम लोगों के साथ VIP को जाने में न केवल परेशानी होती है बल्कि वो असुविधा भी महसूस करते हैं, इसलिए इसको अलग से बनाने की बात कही। कथा में चूंकि महिलाएँ ज़्यादा आएंगी और काफ़ी दूर से पैदल चलकर भी आना होता है, ऐसे में उनकी सुविधा के लिए अधिक से अधिक टॉयलेट और अस्थायी रूप से पानी की व्यवस्था भी मार्ग पर करने के लेकर जो है बात हुई है। बैठक के दौरान विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने कहा कि सेवादार एवं समिति सदस्य पूरे समय कथा में उपस्थित रहकर दी गई जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे। आयोजन समिति के सदस्यों के नंबर भी प्रशासन को दिए जाएंगे ताकि तालमेल बन सके। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सबसे बड़ी भोजन की व्यवस्था को लेकर स्टेडियम में तमाम सारी व्यवस्थाओं को लिए गई। कलेक्टर आर उमा महेश्वरी ने कहा कि चूंकि यहाँ सफाई और पेयजल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे में टोंटी लगे हुए टैंकर यहाँ रखवाने की बात की गई है। साथ ही भोजनशाला में सेवादारों की ड्यूटी रोस्टर से लगाने पर भी बात हुई है। इसके अलावा जो समितियों को कार्य दिए गए उन्हें विभाजित करने और प्रशासन के साथ एक समन्वय समिति बनाने की भी बात कही। इस दौरान समिति और प्रशासन की तरफ से ज्वाइंट रूप से एक हेल्प डेस्क और पब्लिक एड्रेस सेंटर भी खोला जाएगा इस बार। साथ ही जब सबसे बड़ा मामला था अशोकनगर की मंडी को लेकर, क्योंकि अभी धान और मक्का की फसल यहाँ पर लग चल रही है, उसकी बोली हो रही है, अभी ये तय किया गया है प्रशासन ने कि आगामी 20 तारीख तक सुबह 10 बजे से 6 बजे तक ये मंडी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल इस समय निकल सके। साथ ही कथा के दौरान इस मंडी को शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा व्यापारियों और मंडी के लोगों से भी बैठकर इसमें तमाम सारी बात की गई है। एक बड़ा मुद्दा यहाँ होने वाली जो है सब्जी मंडी को लेकर था, क्योंकि थोक सब्जी मंडी सुबह इसी नवीन गल्ला मंडी परिसर में ही होती है, तो उनको भी कथा के दौरान एक अलग से स्थान आरक्षित किया गया है। इसके अलावा कलेक्टर आर उमा महेश्वरी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह ट्रैफिक का रूट चार्ट तैयार कर लें। इसके लिए SDM एवं दूसरे अधिकारी खुद मौके पर जाकर स्थानों का और रास्तों का निरीक्षण करें। साथ ही पंचायत स्तर से होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर एक अलग से बैठक करने की बात कही है। इस पूरी बैठक के दौरान पार्किंग का एक मुद्दा रहा, जिसमें पहले से बनाई गई 5 बैठकों के पार्किंगों के अलावा कुछ और अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बारे में भी बात की गई। इसके अलावा एक VIP रूट भी तैयार करने का निर्देश दिया गया है। पार्किंग का डिजिटल चार्ट भी बनाया जाएगा। कलेक्टर आर उमा महेश्वरी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है
कि इस बार की कथा के लिए कम से कम 50 टैंकर उपलब्ध कराए जाएंगे और पीने के लिए 10 टैंक टोंटी लगाकर भोजनालय एवं दूसरी जगहों के आसपास रखे जाएंगे। इसके अलावा साफ स्वच्छता और टॉयलेट व्यवस्था को लेकर उन्होंने का कहना है कि आवश्यक होने पर आनंदपुर ट्रस्ट के अलावा अशोकनगर के आसपास के जिलों से भी इसके लिए सामग्री मंगाई जा सकती है। पानी के टैंकरों को पंडाल, रास्ते एवं भोजनशाला के आसपास भी लगाए जाएंगे। सुरक्षा के मद्देनज़र इस बार पूरे कथा परिसर और आने जाने वाले मार्गों पर 100 CCTV कैमरा लगाए जाएंगे, जो उसके सतत निरीक्षण करेंगे और इनका कंट्रोल रूम भी एक बनाया जाएगा। बिजली कनेक्शन को लेकर कलेक्टर का कहना है कि अस्थायी रूप से समिति के नाम से कनेक्शन लिया जाएगा, जो कथा के दौरान चालू रहेगा। साथ ही लेडीज स्टाफ जो सरकारी स्तर से लगाए जाएंगे, उनके अलावा समिति की तरफ से भी महिला वॉलंटियरों को भी अनिवार्य रूप से ड्यूटी लगाने की बात कही गई है। पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने कहा कि सभी कार्यों की समीक्षा लगातार करती जाएगी और उसको लेकर भी बैठक की जाएगी। कथा के दौरान इस बार एक अस्थायी अस्पताल भी रहेगा, जिसमें एम्बुलेंस और प्राथमिक उपचार करने के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध रहेंगे। इस अवसर पर RTO एवं यातायात विभाग के द्वारा ऑटो की रेट निर्धारण करने का भी विचार किया गया है। कथा के दौरान और भी कई सारी व्यवस्थाएं करने की बात कही गई है। ठीक है।